महिला अधिकारों को लेकर बनी तमाम पार्टियों के बारे में तो आपने ज़रूर सुना होगा और देखा होगा, पर अब पुरुषों के अधिकारों को लेकर एक नई पार्टी लखनऊ के लोकसभा चुनाव में सामने आई है। इस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाकायदा चुनाव में भी हिस्सा ले रहे हैं। इसमें मर्द का अर्थ है मेरा अधिकार राष्ट्रीय दल। पार्टी ने चुनाव को लेकर अपना ऐलान पत्र भी जारी किया है। अनोखे नाम वाले इस राजनीतिक दल का स्लोगन है बेटों के सम्मान में मर्द उतरे हैं मैदान में। हालांकि मर्द नाम से बनी ये पार्टी हंसी मजाक में नहीं बनी है। पार्टी ने बकायदा अपना वेबसाइट बनाया है, इसका सोशल मीडिया अकाउंट भी है, जिस पर प्रत्याशी के चुनाव प्रचार से जुड़ी पल पल की अपडेट शेयर की जाती है। मर्द पार्टी की वेबसाइट पर जाए तो पार्टी की स्थापना के उद्देश्य से लेकर उनके मैनिफेस्टो तक की जानकारी मिलती है। मर्द पार्टी का जोर महिला अधिकार से जुड़े कानूनों के पुरुषों के खिलाफ दुरुपयोग के बढ़ते मामलों को रोकना है। पार्टी का कहना है महिला सशक्तिकरण अच्छी बात है, लेकिन जब कानून अपने संविधान के मूल सिद्धांत से हटकर लिंग भेद आधारित बनने लगे तब इसका विरोध करना हर भारतीय का फर्ज हो जाता है। दल का कहना है कि जब पुरुषों का शोषण करना बात बात पर महज आरोप लगा देने भर से पुरुषों की कमाई और संपत्ति छीनने को महिला अधिकार बताया जाने लगा है तो इस पर हम लोगों को कड़ी आपत्ति है। ऐसे लिंग भेद को बराबर करने या खत्म करने के लिए खास तौर पर इस राजनीतिक दल का गठन किया गया है। पार्टी चिंता जताते हुए कहती है कि आज के समय में महिलाओं से दोगुनी से भी ज्यादा संख्या में पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं और इन आत्महत्याओं में सबसे बड़ा कारण घरेलू कलह है। मर्द पार्टी ने NCERB के आंकड़ों का भी जिक्र किया, जिसके मुताबिक उन्होंने बताया कि हर साल 2015 के आंकड़ों के अनुसार 42,088 महिलाओं के सापेक्ष कुल 91,528 पुरुषों ने आत्महत्या की। मर्द पार्टी के लोगों का कहना है कि हम लोग एक योद्धा हैं और समाज में व्याप्त पुरुष विरोधी मानसिकता के खिलाफ लड़ रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के अलीगंज में पार्टी का दफ्तर है। मौजूदा लोकसभा चुनाव में इस पार्टी के स्थानीय स्तर पर काफ़ी चर्चा हो रही है। मर्द पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कपिल मोहन राजनाथ सिंह और रविदास मेहरोत्रा के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि उनका उद्देश्य चुनाव जीतना नहीं बल्कि महिला सशक्तिकरण के नाम पर पुरुषों के साथ हो रहे अत्याचार के लिए आवाज उठाना है। मर्द पार्टी की वेबसाइट पर साल 2019, 22 और 24 के चुनावों का घोषणा पत्र दर्ज है। लोकसभा चुनाव को लेकर पार्टी के मैनिफेस्टो में पुरुष कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने का वादा किया गया है। इसके अलावा पुरुष सुरक्षा बिल, पुरुष पक्ष के सुनवाई के लिए सरकारी स्तर पर मेंस पावर लाइंस बनाने का भी वादा किया गया। पार्टी ने व्यभिचारी और लिव इन रिलेशनशिप को लेकर बनी सरकारी नीतियों का विरोध करने की बात कही, साथ ही भारतीय संयुक्त परिवार की परंपरा को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने का भी वादा किया। पार्टी का कहना है कि सिर्फ बेटी पढ़ाओ नहीं, वो बेटी और बेटो दोनों को पढ़ाने का समर्थन करती है।